वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि 3 साल बाद हम लोग पैग हंटिंग जाने वाले हैं। अभी तक हॉट व्हील्स जितनी भी आई थी अपने पास सारा कहीं से मंगाना पड़ा था क्योंकि लोकल शॉप्स में उतनी इजीली अवेलेबल नहीं था। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ से आया था अपने पास बॉक्सेस में, पार्सल में। आज कॉल आया है स्टोर से कि हॉट व्हील्स वापस आ चुकी हैं, तो अभी हम जा रहे हैं, अभी हम रास्ते में हैं। चलिए चल के देखते हैं कि कौन कौन सी हॉट व्हील्स आई हैं, कौन कौन सी ऑलरेडी हैं अपने पास, या फिर कुछ नया आया है, कुछ लेने लायक है कि नहीं, और किस्मत चमकती है कि नहीं, कहीं कोई टी है। तो गाइस हम आ चुके हैं और अब हम आ चुके हैं शॉप पे। ठीक है, अभी हम शॉप पे आए हैं और शॉप है ये टॉयज की, और यहाँ पे उन्होंने बोला था कि हॉट व्हील्स आ चुकी है। अब आइए देखते हैं क्या क्या आया है स्टॉक। ऊपर चले या आप नीचे ला रहे हैं? तो फर्स्ट फ्लोर पे है इनके हॉट व्हील्स का पूरा। अभी फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं हम लोग। काफी बढ़िया टॉय शॉप है, आप देख सकते हैं। ये सब लगता है कुछ पुराना स्टॉक जो लेफ्ट ओवर था, ये सब यहाँ सजा हुआ है, ये सारा है। उसके अलावा बाकी अभी यहाँ पे देख सकते हैं बारबी भी, जो कि बारबी भी मेटल का है, बारबी के भी कुछ नए मॉडल्स आए हैं। और ये हॉट व्हील्स का फैंटेसी कास्टिंग्स का एक है जो नया आया है सेट। ये कार्टन है, इस कार्टन में सारा हॉट व्हील्स और मेटल का सामान भर के आया है। अब इस कार्टन को खोल के देखते हैं कि इसके अंदर है क्या क्या। यहाँ पे हम देख सकते हैं ट्रैक सेट है, डेयर डेविल क्रैश का जो ट्रैक सेट होता है, और ये जो मेगा हॉलर है। वैसे भाई सच बताऊं तो मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है क्योंकि ये बहुत हल्का होता है और इसको अगर टॉप टियर तक भरो तो गाड़ियाँ इस पे से गिरने लगती हैं। ये जो मॉन्स्टर ट्रक्स आ रहे हैं हॉट व्हील्स के, और ये नया है कि हॉट व्हील्स के साथ एक फ्री मतलब ट्रक के साथ फ्री आपको एक कार भी मिलती है। ये देखिए सारी नया कलेक्शन है, ये सारा नया कलेक्शन है हॉट व्हील्स का। मॉन्स्टर ट्रक का काफ़ी अच्छा कलेक्शन आया है, और फिर ये 5 पैक्स भी आए हैं। 5 पैक्स में ये आप निसान देख सकते हो, निसान का 5 पैक काफ़ी अच्छा है। अगर आप लेना चाहो तो इसको डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हो। डिज़ाइन लैब वगैरह फैंटेसी कास्टिंग ज़्यादा है, उसमें डिपेंड करता है कि आप मतलब लेना चाहो या नहीं। हॉट व्हील्स के साथ साथ हम देख सकते हैं यहाँ पे लेगो का भी काफ़ी सारा नया सामान आया है, खास करके ये हैरी पॉटर का सेट है, और ये मिनी सेट है 7 प्लस के लिए है, और ये बजट में भी है, मतलब 2200 रुपये का है। लेगो काफ़ी महंगे होते हैं इसलिए 2200 इसके हिसाब से, लेगो के हिसाब से बजट सेट है। और माइनक्राफ्ट का भी लेगो का सेट आया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये स्मैश स्क्वाड, और ये कुछ कूल मॉन्स्टर ट्रक्स हैं, डिफरेंट स्टाइल के मॉन्स्टर ट्रक्स। आइए अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बॉक्स जो हम अनबॉक्स करने वाले हैं, उसमें कुछ बड़े स्केल के डाईकास्ट मोटरसाइकिल्स हैं। तो वगैरह की जो आती है माइस्ट्रो की, जो बड़े स्केल की मोटरसाइकिल है वो इंडिया में आ चुकी है, और देखते हैं इसका प्राइस कितना है। इसका प्राइस है 1295, तो बहुत ज़्यादा दाम बढ़ा नहीं है। ये है माइस्ट्रो की H2R, और ये 112 स्केल में है, कावासाकी लाइसेंस्ड हैं सारी, और बहुत अच्छी डिटेलिंग होती है इनकी। फिर बाकी इस कलेक्शन में से आप देख सकते हैं होंडा अफ्रीका ट्विन मिल जाती है इसमें आपको, उसके बाद आपको मिल जाती है डुकाटी, और ये है डुकाटी की सुपर स्पोर्ट एस। उसके बाद आपको इसमें मिल जाती है BMW की R90, ये स्क्रैम्बलर वर्जन है R90 का। और इवेंचुअली यहाँ पे जो रियल इसका जो इंटरेस्टिंग कास्टिंग है वो है नई R1। R1 बहुत दिन तक माइस्ट्रो जो बनाता था, पुराने ही वाली जो R1 थी वो बनाया करता था, ये नई R1 है, और ये एक नया मतलब मॉडल है जो माइस्ट्रो ने लॉन्च किया है। तो ये वाला आप डेफिनेटली कलेक्शन में ऐड कर सकते हो अगर आपके पास मॉडर्न सुपर बाइक्स हैं उसके लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत दिन बाद मेटल का सामान आया है इंडिया में, और भर भर के आया है। यहाँ पे ये आप देखो बारबी का सामान आया हुआ है, बारबी के सेट्स हैं इसमें तरह तरह के, और चूंकि मेटल का है तो इसीलिए मेटल का डब्बा खुला। हम उम्मीद कर रहे थे कि कुछ हॉट व्हील्स होंगी सिंगल्स वगैरह जो देखने में सही रहेगा, लेकिन यहाँ पे बारबी का कलेक्शन आया है। अगर आप में से किसी को बारबी का शौक है, या फिर आपके बच्चे वगैरह हैं जिनको बारबी चाहिए, तो आप देख सकते हो ये सारा नया कलेक्शन आया हुआ है बारबी का। ये ऊनो के भी कार्ड्स आए हैं, ये एक और मेटल का पैक था जो हम सोच रहे थे यार उसमें से कार्ड हॉट व्हील्स निकल जाए, लेकिन नहीं, उसमें से भी बारबी निकली है। सिंगल बारबी डॉल्स जो होती हैं तरह तरह की, हाँ उस डब्बे पे भी लिखा हुआ है बारबी डॉल्स एंड एक्सेसरीज, जैसा कि आप देख सकते हो। दुख तो काफ़ी हो रहा है, उम्मीद करके आए थे कि कुछ बढ़िया हॉट व्हील्स मिलेंगी। हॉट व्हील्स में यही है, सारे 5 पैक्स वगैरह आए हैं, बहुत दिन के बाद आए हैं। ऑल्दो ये 5 पैक्स मैंने तो पहले मंगा लिए थे तो मेरे ज़्यादा किसी काम के नहीं है, पर इधर अभी इस बार जो पैक आया है सारा भर भर के बारबी का आया है। अलग अलग प्रकार की बारबी, तो भाई मुझे तो लग रहा है ये वीडियो मैं बनाना चाह रहा था हॉट व्हील्स की, लेकिन ये वीडियो बन चुकी है बारबी की, इतनी सारी बारबी डॉल्स दिख गई हैं। गाइस तो फिर यही है, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इसमें तो मतलब हॉट व्हील से ज़्यादा तो बारबी दिखी है, तो इसलिए अगर आप में से किसी को बारबी का शौक है, आपके बच्चे वगैरह हैं, तो भाई उनके काम आ जाएगी ये वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वन, होपफुली उसमें थोड़ी ज़्यादा हॉट व्हील्स देखने को मिलेंगी।